का राजस्थान कैंपेन को लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज कोटा आए हैं, लगातार इस बारे में कार्यकलाप कर रहे हैं। सर, कोटा जो आना हुआ है आपका, कोटा जिस वजह से आया? नहीं सहेगा राजस्थान, ये कैंपेन पूरे प्रदेश में चल रहा है। 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस अभियान की शुरुआत जयपुर की धरा से की। आज राजस्थान में जिस प्रकार से 2018 में एक ऐसी सरकार चुन के आ गई जो चुनने के बाद राजस्थान की जनता के साथ धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का, किसान निश्चिंत हो गया, लेकिन आज 40,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम होने के कगार पर है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, आरोप लगाकर मुख्यमंत्री के ऊपर कि आपने हमें धोखा दिया, आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, और उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार इसमें संलग्न है। एक सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा प्रोपोगंडा पार्टी है, क्या कहेंगे? ये देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है, भाजपा वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रोपोगंडा तो आप है जो बरसों से कहते आए कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, अगर होता तो राजस्थान देश आज सोने की चिड़िया होता। अच्छा, अब जो भाजपा का जो चुनाव लड़ा जाएगा तो इसमें वसुंधरा जी का क्या रोल रहेगा इस बारे में? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग मिलकर, ये कांग्रेस पार्टी में होता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब नकारा हैं, निकम्मे हैं, गद्दार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे एक छोटा सा बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता हो, सब एक परिवार का हिस्सा और सब मिलकर काम करते हैं। नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर कोटा में आए थे सीपी जोशी।